मैं नवीन मुजाल भाई। पहले तो आज आईपीयू लीड का पेपर है। दूसरी अपडेट ये है कि भाई 5 बजे तुम लोगों का काउंसलिंग का शेड्यूल आने वाला था, लेकिन अभी 5 बज चुके हैं। ये देखिए, ये नोटिस मैंने डाला भी था, इवन हमारे टेलीग्राम पे भी डाल दिया था काफी पहले मैंने। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पे जिन बच्चों ने अभी तक, यूपी के बच्चे भाई, इस पे आके ज्वाइन करो भाई। इसमें यूपी लीड के पुराने पेपर, उनके कंप्लीट सोल्यूशन, उनके वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे यार। डायरेक्ट आके इस चैनल को ज्वाइन कर लो, लीड कोचिंग एजेंसी। फटाफट आप अपनी बात पे आता हूँ। ठीक है, ये मैं जो अभी नोटिस आपको दिखा रहा था कि इसमें लिखा है काउंसलिंग के योग्य है बीटेक लेटरल एंट्री, बीबीए या एमसीए, 12 तारीख को 5 बजे घोषित किया जाएगा। 5:30 हो चुके हैं, मैं 5:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरी घड़ी में 5:30 बजे हुए हैं। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया। और बीटेक जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए अंतिम सप्ताह सितंबर में, ये साइट है। इस साइट पे कहीं भी आपको बीटेक लेटरल एंट्री का अभी नहीं दिखाई देगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये है शायद सूची, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो भी यही नोटिस निकल गया था शायद, या तो कुछ मिस्टेक है या जो भी है, अभी भी यही नोटिस खुल के आ रहा है। ठीक है, यही सेम नोटिस जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भाई मैं तो बैठ गया था वीडियो बनाने की, आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा। हो सकता है आधे घंटे में आ जाए, लेकिन उसके बाद मैंने फिर इसको स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे कट ऑफ, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे MMUT की 2019 की कट ऑफ डाल दी थी। ठीक है, MMUT की जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं या EWS कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, उनमें अगर रैंक 1, रैंक 2 वो GCC की है। हाँ ठीक है, ये बात ध्यान रखना, गर्ल्स कैंडिडेट की कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी जाता हूँ इसकी काउंसलिंग पे, काउंसलिंग का जो मैंने अभी डाउनलोड किया हुआ था, ये इसका काउंसलिंग का शेड्यूल है। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर की काउंसलिंग का कट ऑफ है, जो 2019 में पेपर हुआ था ये उसकी कट ऑफ है। तो मैं थोड़ा सा मार्कर यूज करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं 1-2 मिनट आपके और लूंगा। ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं, मैं 1-2 मिनट और लूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को पहले ये था कि काउंसलिंग की डेट आ गई तो आप लोगों को बताने के काम आएगा। बाकी ऊपर आई बटन में, जैसे लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी, यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, या यहाँ पर आपको वीडियो में आई बटन आ रहा होगा, हमने 2019 का या 2018 का पूरा काउंसलिंग का, इवन 2017 का भी पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर बता रखा है। GCC का ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लीड हैं सबके लिए इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की कोचिंग होती है, वो लीट की। ठीक है यूपी वाले भाइयों, यहाँ पे कोई आपको SSC, आपको कोई JEE, आपको कोई यहाँ पे पॉलिटेक्निक की क्लासेस नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज पढ़ाया जाता है, वो लीट है ना। पर्टिकुलर ये लीट का ही इंस्टीट्यूट है GCC, और ये 2011 से है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये तो होगी इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी बात, मैं बात करता हूँ MMUT, MMUT 19 की कट ऑफ के बारे में, 19 की कट ऑफ के बारे में, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है। ठीक है, ये ई ई ये FW लिखा हुआ है, GNOP, GNGL, GNAF। ठीक है, ये जो कैटेगरी लिखी हुई है यहाँ पर, यहाँ पे आप नीचे जाके बड़े आराम से, और बड़ा सिंपल है, आप वेबसाइट से खुद भी जाके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं FF बोल रहा था फ्रीडम फाइटर, जो मैं AF बोल रहा था आर्म फोर्स, जो HC है वो फिजिकली हैंडीकैप। ठीक है, SC ये शेड्यूल का, ये यूपी का ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। इवन जनरल कैंडिडेट की डेट भी यूपी का ही होना चाहिए, अगर वो दिल्ली का है तो उसके बाद यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, या उसके माता पिता के पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये ब्रांच है, कितनी ब्रांच है सर जी, ब्रांच कितनी है, ये ब्रांच है, मार्कर मैंने फिर बंद कर लिया, ये हमारे पास ब्रांच है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाए ना नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई। ठीक है, ये तो सिविल है, सबसे नंबर 1 पे सिविल ही है वहाँ पे, उसके बाद केमिकल है, CSC है, ECE है, EEE है, IT है, और मैकेनिकल है, ये ब्रांच है, और ये कट ऑफ है। अगर मैं जनरल जनरल की बात करूँ तो ये देखिए, ये यहाँ तक गई हुई है, ये फर्स्ट ईयर की बात है। ये हमें हमें यहाँ पे, सॉरी यार, हमें फर्स्ट ईयर का तो देखना ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो फर्स्ट ईयर का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें फर्स्ट ईयर का कोई मतलब नहीं है, तो हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे सेकेंड ईयर को। ठीक है, सेकेंड ईयर जो कि जस्ट नीचे दिया हुआ है,
तो कई बच्चे बोलते हैं सर मेरी 125 रैंक में मिल जाए, 125, देखो 125 तक गई हुई है, केमिकल 320 तक गई हुई है, सीएससी 199 तक गई हुई है, ईसी 234 तक गई हुई है, जर्नल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, जर्नल जो जर्नल है ठीक है, जिनके पास आर्म फोर्स है, फ्रीडम फाइटर हैं, जो जनरल हैंडीकैप है उनकी उनकी आगे कट ऑफ अलग अलग है। लेकिन ये देखिए, अगर आपको बिल्कुल ही है ना, ये यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए अलग है, जनरल गर्ल कैंडिडेट, ये जनरल गर्ल कैंडिडेट की थी, ये जनरल सिंपल जनरल है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जीसीसी में जितनी भी लड़कियों की जो रैंक आई है, जीसीसी में जो गर्ल्स कैंडिडेट थी उनको बड़े आराम से ये कोई भी ब्रांच मिल जाएगी। ये देखिए, क्योंकि सारी रैंक जो जीसीसी गर्ल्स की है, ये जीसीसी गर्ल्स की रैंक है, जनरल रैंक है, ये आर्म फोर्स की रैंक है, फ्रीडम फाइटर की होगी, ये हमारा हैंडीकैप की होगी, ये ओबीसी है ना, ये ओबीसी लड़कियों का ओबीसी जो है, यहाँ पे आपको जाके आइडिया मिल जाएगा। और ये आपको टेलीग्राम जो हमारा ये वाला चैनल है, यहाँ पे ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है, आप बड़े आराम से यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसको अननेसेसरी हम वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, ये चैनल है भैया, जाके फटाफट इसको सब्सक्राइब करो है ना, और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अभी तक तो काउंसलिंग की डेट नहीं आई है, मैंने तुम्हें बताया, अभी तक तो काउंसलिंग की डेट नहीं है, इसको जाके फॉलो कर लो फटाफट। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, बाकी आईपीयू लीट का जो आज का पेपर होगा 2020 का, उसका जल्दी मैं आपको एनालिसिस लेके आऊंगा कि उसका एनालिसिस कैसा है, पेपर कैसा आया था, ठीक है, सारी बातें आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।